X51 कलर के इंजन की साउंड को सुन सकते हैं। इसमें आपको 7,200 cc का इंजन मिलता है। हमारे गाड़ी में जो है टाटा और लीलैंड से पर चक्कर 15,000 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बचत ये गाड़ी देती है, ठीक है। और ड्राइवरों का बैक ट्रॉली है, जो ट्रॉली आती है जो 32 फुट ट्रॉली है, जिसकी 4.5 फुट हाइट है डालों की, 4.5 फुट x 32 की, जिसमें 3 एक्सल लगे हुए हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और अभी मैं खड़ा हूँ महिंद्रा के ट्रक एंड बस के स्टॉक यार्ड में, और मेरे सामने खड़ा हुआ है महिंद्रा का ब्लाजो X55 घोड़ा, जो कि हमारे सामने DLT के साथ में खड़ा हुआ है, मतलब इसके पीछे ट्रोला भी लगा हुआ है। और आज मैं आपको इस वीडियो में महिंद्रा ब्लाजो X55 इस घोड़े की इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। 2024 का ब्रांड न्यू यह मॉडल है, इसके केबिन के बारे में, इसके इंजन के बारे में, इसकी माइलेज हो गई, पावर हो गई, और महिंद्रा आपको क्या क्या फीचर्स देता है, क्या क्या सर्विस देता है, वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और यहाँ के मैं आपको पर्सन से भी मिलाऊंगा जो कि सेल्स के पर्सन है। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए, और मैं आपको एक एक करके इस महिंद्रा ब्लाजो X55 की इस वीडियो में डिटेल देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके फ्रंट की लुक की बात करें तो ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है, अगर आप देखेंगे तो अभी ये DLT ट्रोले के साथ में खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आप चाहे तो इसको 10 टायर में 6 टायर में ले सकते हैं, हमारे सामने 6 टायर में खड़ा हुआ है और पीछे 12 चक्कों की मतलब ट्रोली लगी हुई है, टोटली 18 चक्कों का हो गया घोड़ा। 10 चक्कों मिलेंगे तो उसमें आपको एक एक्सल ज़्यादा मिलेगा और 4 पहिए आपको ज़्यादा मिलेंगे, बाकी इंजन केबिन वो सभी आपको सेम मिलता है। इसके फ्रंट के लुक की बात करें तो ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है, अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको फ्रंट की लुक मिलेगी। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सरवण बिश्नोई है, मैं यहाँ रॉयल सोना विजय मोटर जो आपने जस्ट में जोधपुर बाईपास पे डालीबाई सर्किल के पास जो है उसमें सेल्स काम है मेरा, मैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। और जब से ये अपने डीलरशिप मतलब इनोग्रेशन हुआ तब से मैं यहीं हूँ, और करीबन 2 साल हो गए मुझे इसका एक्सपीरियंस के लिए। आज की तारीख में मार्केट में महिंद्रा बहुत बेस्ट है, बेस्ट गाड़ी है, और कंपैरिजन टाटा और लीलैंड दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो माइलेज में अच्छी गाड़ी है, चलने में सॉफ्ट गाड़ी है, और मेंटेनेंस नील गाड़ी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो भी गाड़ी आज तक हमने गाड़ियाँ दी है रिपीटेड कस्टमर है, जो 2-3 बार हम गाड़ी दे चुके हैं और सब गाड़ी चलाने में बहुत मस्त खुश है कि हमारे गाड़ी में जो है टाटा और लीलैंड से पर चक्कर 15,000 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बचत ये गाड़ी देती है, ठीक है। और ड्राइवरों का बैक ग्राउंड आपने लिया तो ड्राइवर जो है ना सब गाड़ी ये चला के बहुत खुश है कि भाई गाड़ी चलने में कंफर्ट कैसा लगा उनको, गाड़ी का कंफर्ट चलाने गाड़ी का चलाने कंफर्ट जैसे वो एज ए स्कॉर्पियो जो महिंद्रा की गाड़ी होती है उसमें चलाने का फीलिंग और हमारी आसानी से गाड़ी दबती नहीं है, इंजन काफी अच्छा है, इंजन अच्छा है चलने में, और चढ़ान में कहीं भी पहाड़ में कहीं भी आप चलाओगे तो चढ़ान में कोई दिक्कत नहीं है, पावर पिकअप अच्छा है और चलने में बहुत मस्त गाड़ी है। और महिंद्रा की सर्विस के बारे में कुछ बताइए। और महिंद्रा सर्विस के बारे में मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ डीलरशिप पे जब से हम 2 साल से कोई शिकायत नहीं है और पार्ट्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पार्ट्स फुल रहता है, अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भी पहले हमारे पास यहाँ कस्टमर आते थे जो पुराने कस्टमर, मैं यही कहते थे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास ये समस्या नहीं रहती है, हमेशा फुल पार्ट्स रहता है। और हर गाड़ी वाले को मैं यही कहूँगा हमारे यहाँ आए सर्विस कराए, आपको फीलिंग महसूस होगी काम कैसे होता है। ये इसकी फ्रंट से लुक अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा ब्लाजो X55 की। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो टाटा के 5530 से इसका कॉम्पिटिशन है और लीलैंड के 5525 से। इसके ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें महिंद्रा ब्लाजो X55 की तो नाम में इसका 55 है, मतलब इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 55,000 kg। और इसके पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 27,000 kg की इसकी पेलोड कैपेसिटी है, आप चाहे तो उसको 6 चक्कों में 10 चक्कों में दोनों में आप इसको ले सकते हैं। और इसके फ्रंट की लुक की बात करें तो ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड मिलती है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी आपको विंडशील्ड मिल जाती है, उस पर आपको काफ़ी बड़े बड़े वाइपर मिलते हैं और यहाँ पे वॉशर के साथ में आपको वाइपर दिए गए हैं और यहाँ पे आपको हैंडल भी मिलते हैं, अगर ड्राइवर हाथ से ऊपर चढ़कर विंडशील्ड को क्लीन करना चाहे तो हैंडल दिए गए हैं। ऊपर आपको एक मिरर मिल जाता है जिससे कि ड्राइवर आसानी से इसको आगे पीछे कर सके। ब्लाजो X55 की ब्रांडिंग मिलती है क्रोम में, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसकी ग्रिल ब्लैक कलर में आपको पूरी ग्रिल मिलती है, उसके ऊपर आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है और इस साइड में आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और लाइटों की बात करें इस घोड़े के तो इसमें आपको कुछ इस टाइप से लाइटें मिलती है, हेलोजन बेस आपको फ्रंट में लाइट मिलेगी और ब्लैक स्मोक का यूज़ किया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे 3 mm की आपको रेडियम की पट्टी मिल जाती है और ये रहा इसका बम्पर, और उसके नीचे भी आपको एक सेफ्टी के लिए बम्पर मिलता है, बाई चांस किसी छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी इसके नीचे वगैरह नहीं जाए।
आगे मैं इसके केबिन में बैठ कर भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इसकी साइड से लुक देख लीजिए पूरी फ्रेम में, इस टाइप से आपको साइड से लुक मिलती है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा ब्लाजो X55 की। अभी मैं इसके केबिन को आपको दिखाता हूँ कैसा आपको इसमें केबिन मिलता है। ये रहा इसका ड्राइवर साइड डोर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे फिटिश टाइप मिलते हैं। और यहाँ से आप इसके अंदर बैठेंगे, यहाँ से आप इसके अंदर बैठेंगे। अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ, ऐसे आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है अगर आप देखेंगे तो। महिंद्रा की आपको स्टीयरिंग व्हील दी गई है, उसके ऊपर आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो उसको भी ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है, ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी मैं मीटर को इसके दिखा देता हूँ ऑफ करके, ऑन करके। ऐसा आपको इसमें मीटर मिलता है, इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज का मीटर, टेम्परेचर का मीटर और काफ़ी बड़ी आपको MID मिलती है। इसी में आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होती है, फ्यूल का लेवल हो गया, एयर ब्लू का लेवल हो गया, गाड़ी कितनी चल चुकी है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके वाइपर चलेंगे, इस साइड से आप इसकी लाइटों को चला सकते हैं। हेडलाइट लेवल का आपको स्विच मिलता है। और हैंड ब्रेक की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पे आपको टर्बो के, हेवी के, लाइट के मोड मिलते हैं। गाड़ी खाली है तो लाइट में, बाकी हैवी के अलग अलग मोड मिल जाते हैं। और इसमें आपको AC मिलती है, AC वाला केबिन है और स्लीपर केबिन है, ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसमें AC मिल जाती है। और गियर की बात करें तो ये रहा इसका गियर बॉक्स, 8 आपको नॉर्मल, एक आपको C का मोड मिलता है और एक रिवर्स का। टोटल ये 10 स्पीड का गियर बॉक्स हो गया, 9 फॉरवर्ड का, एक रिवर्स का। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिलता है। और ये सर बैठे हुए हैं, अब इस केबिन के बारे में कुछ बताइए आप। केबिन हमारा बहुत कंफर्ट केबिन है, अदर देन मैं मतलब टाटा और लीलैंड से, बहुत कंफर्ट है और बिल्कुल ये क्या कहते हैं, जंप नहीं करता है, मतलब खड्डों वगैरह नहीं, खड्डों में अड्डों में पता ही नहीं चलता है कि सब चलता है। सस्पेंशन काफी अच्छे हैं, हां सस्पेंशन बहुत अच्छे दे रखे हैं। और ये फोल्डिंग है, जो जैसे आगे अपन कोई भी इंजन में मिस्टेक वो लोग चेक करते हैं ना, तो मतलब फोल्डिंग होता आगे है, फोल्ड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, जिससे ये मतलब ये जंपदार है। और इसका जो फ्यूज बॉक्स है वो भी यहाँ ऊपर दे रखा है, यहाँ पे ऊपर फ्यूज बॉक्स मिलता है, फ्यूज बॉक्स, ताकि कोई भी फ्यूज सही कराना हो ना, उठ जाए कर जाए तो नीचे सब गाड़ियों के या नीचे दे रखे होते हैं, टाटा के वगैरह प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर कर नहीं सकते। इसमें चलती गाड़ी में अपन फ्यूज सही कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलता है, इसको ओपन करके ये आपके यहाँ पे लोकेबल ड्राइवर के लिए स्पेस मिल जाती है। और अंदर ये 2-2 कप होल्डर भी मिलते हैं, ये काफी अच्छी बात है। और इसके स्लीपर केबिन बेड के बारे में कुछ बताइए, पीछे कैसा आपको बेड मिलता है। स्लीपर जो बेड है वो एकदम मतलब बड़ा बेड है, आराम से एक आदमी, मतलब काफी चौड़ा बेड है, चौड़ा बेड है और सो सकते हैं। इसके नीचे अपन टूल बॉक्स है, वो भी काफी बड़ा है, जिसमें पूरा सामान अपन रख सकते हैं। जो इसके नीचे पूरी 3 भागों में डिवाइड है, 2 बैक साइड, इसके नीचे आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है, 3 भागों में ये पूरा डिवाइडेड है, बाहर से भी खुलते हैं। और दोनों जो है साइड के, ये साइड से आप सामान डाल सकते हैं, वहां से बाहर से भी, बाहर से अगर अंदर से नहीं खड़ा मतलब खोलना है तो इसको बाहर से भी, मतलब ग्रीस का है, बाल्टी है या जैक है, पाने हैं, वो अपन बाहर से रखे, मतलब यहाँ से ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर सामान वगैरह रखा हुआ है तो। और LED पीछे कांच है, वो फोल्डिंग कांच है, और ये पीछे पूरा आपको ओपन करने वाला कांच मिल जाता है, जिससे कि अंदर सोफोकेशन वगैरह फील नहीं हो। और काफी बड़ा केबिन है, AC इसकी बहुत कूल है। और ऊपर आपको LED में लाइटें मिल जाती है रूफ में। और सनवाइजर की बात करें तो काफी बड़े बड़े आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर के साइड में आपको सनवाइजर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको SOS के, इमरजेंसी के बटन मिलते हैं। कलर के और इंजन की साउंड को सुन सकते हैं। इसमें आपको 7,200 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपको 280 hp की पावर निकाल कर देता है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, आप इसके इंजन की साउंड को सुनिए एक बार। स्टीयरिंग की बात करें तो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है, आप देखिए काफ़ी स्मूथ आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। और ड्राइवर के सीट की बात करें तो भी आपको काफ़ी अच्छी ड्राइवर की सीट मिलती है, इस तरह को एडजस्ट किया जा सकता है, आप देखिए इस तरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। अभी मैं इसके इंजन को आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें आपको महिंद्रा का खुद का 7,200 cc का 6 सिलेंडर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि आपको 280 hp की पावर निकाल कर देता है।
और यहाँ से इसका एयर इंटेक किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका एयर इंटेक है 280 एचपी की पावर निकाल कर देता है। महिंद्रा का खुद का ये इंजन है। माइलेज की बात करें तो 2.25 से 3.25 की इसकी माइलेज है। और यहाँ पे इसका 415 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है। आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा आपको डीजल का टैंक मिलता है। उसी के आगे आपको एडब्लू का टैंक मिलता है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे इसमें आपको एडब्लू का टैंक मिलता है। एक आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी मैं आपको इसके टायर की साइज को दिखा देता हूँ। अपोलो के इसमें टायर लगे हुए हैं 295/90 आर 20 इंच के इसमें आपको टायर मिलते हैं। और ये केबिन की मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी। 6 चक्कों का ये घोड़ा है। ये रहा इसका मेन वर्किंग एक्सल। कुछ इस टाइप से आपको इसका मेन वर्किंग एक्सल मिलता है। इंजन की मैंने आपको डिटेल दे दी। 7260 का इंजन है। और ये रियर में इसमें पूरा ये ट्रोला लगा हुआ है 12 चक्कों का। इसकी मैं आपको रियर से लुक दिखा देता हूँ, कैसे आपको रियर से लुक मिलती है। ये इसकी ओवरऑल रियर से लुक। ये प्लाजो 55 के पीछे अपन जो ट्रॉली है, जो ट्रॉली आ गई है, जो 32 फुट ट्रॉली है, जिसकी 4.5 फुट हाइट है डालो की, 4.5 फुट x 32 की, जिसमें 3 एक्सल लगे हुए हैं। 3 एक्सल में एक अपन को एयर सस्पेंस मिलेगा, ये वाला एक्सल जो ऊपर नीचे मतलब पूरे यहाँ पे ये एयर बलून लगे हुए हैं इस ट्रोले में। आप देख लीजिए यहाँ पे ये एक लिफ्ट एक्सल आएगा इसके अंदर, और दो जो आएंगे वो नॉर्मल एक्सल, सीधे नॉर्मल एक्सल आएंगे। जो ये ब्लाजो 55 6 एक्सल में जो हॉर्स है उसके पीछे ये ट्रोली लगती है, और 10 वाले के पीछे अलग ट्रोली आती है। 10 चक्का हॉर्स है उसके पीछे जो लगेगी उसमें ये बैलून सस्पेंस नहीं आएगा, उसमें नॉर्मल आएगा तीनों, उसमें तीनों नॉर्मल होंगे, तीनों नॉर्मल आएंगे ठीक है। और पेलोड है जो दोनों का सेम है, पेलोड सेम है। हाँ। उसकी थोड़ी प्राइस बता सकते हैं या अलग से लेनी पड़ेगी कस्टमर को? ये तो कस्टमर खुद अपने आप डिपेंड करता है, खुद बनाते तो अच्छी बात है। ये तो हमारी कंपनी जो साथ में आती है VST कोरबी की जो ट्रॉली आती है वो करीबन 14 लाख की प्राइस की आती है। 14 लाख की ट्रॉली है? हाँ बिल्कुल। और इस घोड़े की थोड़ी सी आप प्राइस बता सकते हैं? अप्रोक्सीमेट 36 लाख रुपये। 36 लाख रुपये जी। ये आप एक्स शोरूम बता रहे हैं? हाँ एक्स शोरूम बता रहे हैं। बाकी ऑन रोड तो चेंज होती रहती है, स्टेट टू स्टेट भी वेरीफाई करती है, वो तो वो उस पर डिपेंड करता है, मार्केट टू मार्केट जो अप डाउन होती रहती प्राइस के हिसाब से। अभी मैं आपको इस साइड से इसकी लुक दिखा देता हूँ। ये इसकी ओवरऑल इस साइड से लुक आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। अभी धूप का शेड भी काफ़ी अच्छा है, रिफ्लेक्शन आ रही है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये दिख रही होगी रियर की ट्रोली। और यहाँ पे इसमें एक स्पेस मिल जाती है, दो ये क्या कहते हैं इसको, क्या बोल दिया आप, साइड में साइड विंडो मिल जाएंगी, दो इस साइड में, दो उस साइड में, चार साइड विंडो मिलेंगे, दो ये इस साइड में होंगे और दो उस साइड में मिलती है, टूल बॉक्स मिलेंगे दो, और यहाँ पे ये साइड में एक उस साइड में टूल बॉक्स मिलेंगे, दोनों साइड में टूल बॉक्स मिल जाते हैं। और एक आगे जो आगे ट्रिपल बॉक्स और मिल जाएगा आपको इसके अंदर, ये जो आगे और यहाँ पे एक और बॉक्स मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये रहा इस घोड़े का इंजन जो कि मैंने आपको बताया था। दो दो आपको यहाँ पर बैटरियाँ मिलती है, बैटरियों के ऊपर भी प्रॉपर कवरिंग दी गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है। और इस घोड़े के टेल लैंप की बात करें तो आपको LED में टेल लैंप मिलते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, LED में आपको प्रॉपर टेल लैंप मिलते हैं। और आप कोई गाड़ी इसको खरीदना चाहता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कस्टमर को? अगर मैं तो गाड़ी को चूज करता है तो उसको सजेशन ही दूंगा, अगर वो टाटा और महिंद्रा मतलब लीलैंड लेने का मानस बना रहे हैं तो उसको एक बार महिंद्रा के बारे में सोचना चाहिए और महिंद्रा के बारे में समझना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में पैसे बचा सके, दो पैसे घर पे बचत कर सके, मेरा कहना यही रहेगा। ये क्योंकि ये हमारा माइलेज की कंपनी की गारंटी है हमारी, 5 से 7% अदर कंप्यूटर व्हीकल से अपना एक्स्ट्रा एवरेज है, और माइलेज तो एक्स्ट्रा है ही है, प्लस उसके साथ में मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस हमारा बिल्कुल गाड़ी का। वारंटी कितने साल की आती है? वारंटी इसकी हमारी 6 साल और 6 लाख किलोमीटर है, चाहे 6 साल पहले हो जाए चाहे 6 लाख किलोमीटर रनिंग पहले, जो भी पहले हो उसकी वारंटी मिल जाती है, वारंटी मिलेगी फुल ठीक है। और एम बूस्टर की आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, इसका मतलब ये है कि महिंद्रा की गाड़ियाँ माइलेज के लिए जानी जाती है। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। कोई भी घोड़े को खरीदना चाहता है मतलब महिंद्रा की गाड़ी या महिंद्रा के इसके अलावा और भी कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो उस तक ये वीडियो आप पहुँचा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।